ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद भवन में उत्पात मचाया है। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसकर भी उपद्रवियों ने उत्पात किया। बता दें कि ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में रविवार को बोल्सोनारो समर्थकों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में जमकर उपद्रव किया। करीब 3,000 लोगों की भीड़ संसद परिसर के बाहर इकट्ठा हुई और फिर वो बैरिकेड तोड़कर परिसर में घुस गए। बता दें ब्रासिलिया में सैकड़ों की संख्या में बोल्सोनारो समर्थक संसद भवन की छत पर चढ़ गए और बैनर लेकर छत पर ही बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें ब्राजील की संसद के अंदर बोल्सोनारो समर्थक हंगामा करते हुए भी दिखाई दिए। राष्ट्रपति सिल्वा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्राजील में हुए हंगामे ने दुनिया भर को एक बार फिर कैपिटल हिल की याद दिलाती है।